What is up, ladies and gentlemen? Esports 360 के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैक्स के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वेलोसिटी गेमिंग के BGMI लाइनअप को अलविदा कहने जा रहे हैं। उसके बाद अमन की तरफ बढ़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि टीम सोल BGIS के अंदर क्यों फाइट्स नहीं ले रही है। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, वैलोरेंट में हाल ही में एक नया एजेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज नियोन। उसके गेम प्ले के ऊपर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि आखिर ये एजेंट हमको गेम में कैसा नजर आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वाचिंग ईस्पोर्ट्स 360। व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है ईस्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। सो स्नैक्स ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो VLT को अलविदा कह रहे हैं, एंड दिस अनाउंसमेंट केम राइट आफ्टर द टीम वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द BGIS। स्नैक्स, जो कि टीम IND के प्रोमिनेंट प्लेयर थे, मेड हिज ट्रांजिशन टू VLT अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द रोस्टर। बट BGIS में VLT के परफॉर्मेंस को देख कर ये कह पाना मुश्किल था दैट दिस वॉज द सेम IND दैट वी आर यूज टू सीइंग इन द प्रीवियस टूर्नामेंट्स। स्नैक्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी काफ़ी गिर चुका था, काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि स्नैक्स टीम सोल ज्वाइन करेंगे या फिर टीम गॉडलाइक को ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्नैक्स ने खुद ने ये सारे स्पेकुलेशंस को क्लियर करके ये कहा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर यंग मैन एंड वी जस्ट वांट टू सी यू बैक इन एक्शन। अब चलिए BGIS की बात कर ही रहे हैं, तो BGIS के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स दैट्स देयर इज टीम सोल, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी शेकी हमको नजर आ रहा है। स्पेशली फैंस ये नोटिस कर रहे थे कि टीम फाइट्स नहीं ले रही है। अब स्पेकुलेशन ये थी कि हो सकता है प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए टीम जा रही हो, बट प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात करें तो वो भी हमको खास नजर नहीं आया इनकी तरफ से अर्ली स्टेजेस के अंदर। अब इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए सोल अमन ने अपनी स्ट्रीम पर ये चीज़ कही थी। अनप्रेडिक्टेबल होता है लास्ट डे, कल का ही दिन है, हमेशा होता है भाई, लास्ट डे और लास्ट मैच ये दो ऐसी चीज़ें होती है ना, जो टीम को क्वालिफाई करना हो खतरनाक वाले पोटेंशियल पे होती है। जो टीम क्वालिफाई हो चुकी है, जो टॉप 5 टीम्स है, वो सब आल बाल खेलेगी, तो अनप्रेडिक्टेबल होगा हर चीज़ की कौन सी टीम घुस घुस के मार रही है। जैसे कि गॉडलाइक को पता है वो क्वालिफाई हो रही थी, तो उन्होंने फर्स्ट मैच से ही सारा मारना वाला चालू कर दिया, लाइक बिल्कुल क्लासिक की तरफ। फाइट से दूर क्यों भागते हैं इतना, प्लीज डू समथिंग। रेकर गेमिंग फाइट से दूर तो नहीं भागते हैं, बट फाइट इनिशियली अभी अवॉइड कर रहे थे ताकि हम लोग जोन लेकर के एक बार थोड़ा सा पॉइंट्स इकट्ठा करें, उसके बाद ताकि मोमेंटम मिले। इनिशियल डायरेक्टली फाइट नहीं ले रही टीम्स कोई भी, एक्सेप्ट जो टॉप 5 टीम्स है। टॉप 5 टीम्स के पास तो पूरा एकदम इंश्योरेंस है कि वो लोग इजी 5-10 पॉइंट निकाल लें, घुस घुस के मारो, एक में छक दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अभी वो मोमेंटम अगर हमारा रहता तो मे भी हम लोग टॉप 5 में रहते, अगर रहते फर्स्ट मोमेंटम मिल जाता, जैसे कि क्वार्टर फाइनल्स में मिला था, फर्स्ट गेम में ही चिकन निकल गया था, तो शायद हम लोग मार के खेल सकते थे। लेकिन ऐसा सीन अगर इसमें होता तो अभी डायरेक्टली नहीं खेल सकते, समझ गए। सो नियॉन को वैलोरेंट में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वी फाइनली गॉट टू सी द गेम प्ले ऑफ दिस एजेंट, एंड लाइक ऑलवेज दिस एजेंट इज राइट नाउ सेट टू बी द मोस्ट ओवरपावर्ड एजेंट इन द गेम। आई एम आउट ऑफ हियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। एंड टू मेक श्योर, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है नॉर्डविन के यूट्यूब चैनल को, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू नॉर्डविन गेमिंग यूट्यूब चैनल। और भी ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट अगले कुछ दिनों में आने वाला है, बिकॉज यू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, राइट, द VCC 2022। एंड डू मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बोल चुका हूँ, बट नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।